हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हुडी बेबी जैकेट बनाऊंगी। ये यूरो मंथ से 1 ईयर्स के लिए है। ये मैंने 250 mm का क्रोशिया लिया है और 4 प्लाई की ऊन ली है और मैंने ये 62 ये चैन बनाई है और 1, 2, 3 इसको स्किप करके छोड़ के ये 4th में मैं डबल क्रोशिया बुनूंगी और इसको भी काउंट करेंगे। ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 9 हमने फ्रंट के लिए बुने हैं। एक चैन लेके और इसी में हम ये कॉर्नर बनाएंगे और ये स्लीव के लिए बनेगा। ये मैं 14 डबल क्रोशिया बुनूंगी। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 14 ये स्लीव के लिए बन गया और हम बैग बनाएंगे इसी में ही। ये कॉर्नर यहाँ से बैग के लिए शुरू करेंगे। ये 16 बनाऊंगी मैं डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये 16 ये हमारी पीछे की बैग बन गई। और एक चैन लेके फिर इसी में ही हम कॉर्नर बनाएंगे। ये हमारे लिए स्लीव के लिए बनेगा। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन ये 14 ये स्लीव हो गई और एक चैन लेके ये हम फ्रंट बनाएंगे। 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 9 ये हमारा फर्स्ट रो पूरा हो गया। ये देखिए ये फ्रंट के लिए 9 बन गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 चैने लेंगे
और नेक्स्ट वाला रो सेकंड वाला, ये मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड रो में मैं आपको यहाँ से कैसे लूँगी बताती हूँ। ये देखिए कॉर्नर में आए, फ्रंट में और बैक पे मैं डबल डबल बढ़ाती चली जाऊंगी। जैसे मैंने एक इसमें डालना है डबल क्रोशिया, तो इसको टू डबल क्रोशिया डालूंगी। इधर मैं फ्रंट पे टू डबल क्रोशिया डालूंगी और इसमें स्लीप पे मैं वन डालूंगी। ऐसे बनाना है, स्लीव में मुझे नहीं बढ़ाना है, फ्रंट में और बैक में मेरे को ये चोली में बढ़ाना है। तो मैं आपको बताऊंगी दूसरे रो पे ऐसे ही करना है, फिर एक रो छोड़ते हुए ये मैंने 12 रो तक मैंने एक एक उसमें बढ़ाया है। मैं आपको ये पूरा रो ख़त्म करके दिखाती हूँ। स्लीव पे जैसे मैंने नहीं बढ़ाया और नीचे फिर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चोली भी ठीक बनेगी और परफेक्ट ये बनेगा बिल्कुल, क्योंकि जैकेट में ये नीचे से बढ़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। और यहीं से मैंने आपको बताया फर्स्ट रो पे ऐसे एक रो छोड़ते हुए मैं एक एक स्टिच बढ़ाती चली जाऊंगी। जैसे देखिए मैंने ये स्लीव पे आया, स्लीव पे ये स्लीव जैसे बनाएंगे, इसमें मेरे को नहीं बढ़ाना है। स्लीव में सेकंड रो में मैंने ये स्लीव को ऐसे ही एक डबल क्रोशिया बुना और ये पीछे बैक आ गई, बैक में मैं टू डबल क्रोशिया बुनूंगी, एक ज़्यादा बुनूंगी, ये टू डबल क्रोशिया होगा। और ऐसे ही स्लीव में बुन के चली जाऊंगी ऐसे ही, और स्लीव का ये बैक का जो साइड रहेगा कॉर्नर रहेगा दूसरी तरफ भी मेरे ऐसे ही एक स्टिच बढ़ाऊंगी। ये रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, इसको एक रो छोड़ते हुए ऐसे ही एक एक स्टिच में बढ़ाऊंगी। मैं आपको फिर बता रही हूँ स्लीव में नहीं बढ़ाना है, फ्रंट पे और बैक में बढ़ाऊंगी। ये देखिए कॉर्नर आया, ये कॉर्नर ये बैक का आया, इसमें मैं दो स्टिच एक ज़्यादा बनाऊंगी, एक तो इसमें कॉर्नर में डलता ही है, एक स्टिच इसका ज़्यादा रखूंगी और स्लीव ऐसे ही बुन के चले जाएंगे। ऐसे ही देखिए ये कॉर्नर आया, ये स्लीव के लिए स्लीव, इसमें स्लीव बनाएंगे तो दोनों तरफ हमको नहीं बढ़ाना है, एक ही जो कॉर्नर में जाएगा। और इधर जो फ्रंट आया, फ्रंट में ये मैं एक स्टिच ज़्यादा बुनूंगी, इसमें टू डबल क्रोशिया बुनेंगे और ऐसे ही स्लीव ऐसे करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये मैंने ये 13 रो बना के रखे हुए हैं, ये देखिए मैंने 13 रो बनाए हैं। और मैंने जैसे नीचे इस पे बनाया जाता चोली के बाद, ये जैकेट में बड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता है, और मैंने यहाँ पर ये दूसरे रो पे मैंने ये दो एक स्टिच बढ़ाया था, फिर चौथे रो पे, फिर छठे पे, फिर आठवां, दसवां, बारहवां, ऐसे ही मैंने यहाँ पर 6 स्टिच बढ़ गए है ना, और इधर फ्रंट पे और 6 स्टिच यहाँ पर और 6 स्टिच बैक पे इधर, 24 स्टिच मैंने बढ़ाए हैं। और आप इसको इसमें ऐसे भी बढ़ा सकते हैं या चोली पे शुरू करते ही ऐसे बढ़ा सकते हैं, पर आप ऐसे बनाएंगे तो आपका ये बिल्कुल सेम बिल्कुल जैकेट बहुत अच्छी बनेगी अगर आप मेरे मुताबिक बनाएंगे तो।
ठीक है, मैंने ऐसे ही बनाया है, एक छोड़ के दूसरे पे फ्रंट पे और बैक पे मैंने साइडों से एक एक स्टिच एक छोड़ के लाइन बनाया हुआ है। 6 स्टिच यहाँ बढ़े हैं, 6 स्टिच यहाँ बढ़े हैं और 6 स्टिच बैक में इस साइड से और इस साइड से, 24 स्टिच मैंने इसमें बढ़ाए हैं चोली में। और मैं आपको ये 13 इसमें रो पूरे हो चुके हैं और मैं आपको इसकी स्लीव जोड़ना बताती हूँ, बता दूँ सर। देखिए ये मैंने फ्रंट तक यहाँ तक बुना और मैं आपको ये स्लीव जोड़नी बताती हूँ। ये हमारा 14 वाला रो है, 14 रो पे देखिए मैंने इसमें कॉर्नर में एक डबल क्रोशिया बुना और फिर इसमें ये जो कॉर्नर है इसमें मैं डबल क्रोशिया बुनूंगी और ये देखिए ये मेरी स्लीव निकल गई और फिर ये बैक है और ये इस कॉर्नर पे फिर मैं आपको जोड़ती हूँ। ये देखिए ऐसे ही बुनना है, पीछे बैक को ऐसे ही बुनना है और फिर मैं आपको ये देखिए ये कॉर्नर आया। इधर मैंने आपको बताया मैंने कॉर्नर जोड़ा है, इधर एक कॉर्नर में डबल क्रोशिया बुनेंगे और एक डबल क्रोशिया इस वाले कॉर्नर में लेंगे और ये सेकंड स्लीव निकल आएगी हमारी, ये जुड़ गया और ये देखिए बस इसको यहाँ तक बुन के और फिर मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। ये देखिए ये मेरा 14 रो बन गया, 15 रो से मैं ये डिज़ाइन बताऊंगी। ये मैंने ऐसे ही एक 3 चैन बना के शुरू किया और इसको एक स्किप करके मैं सेकंड से शुरू करूंगी, इसमें डबल क्रोशिया बुनूंगी और फिर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बुनूंगी और फिर ऐसे ही जो ये स्किप किया था इसमें मैं ऐसे ही ये डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे डिज़ाइन बनेगा और फिर एक स्किप करके मैं सेकंड वाले में बनाऊंगी और फिर एक आगे बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद और जो स्किप किया था उसमें मेरे को ऐसे ही ये देखिए ऐसे डबल क्रोशिया ऐसे बुनना है, ऐसे डिज़ाइन बनेगा और मैं फिर बताती हूँ आपको नेक्स्ट में एक स्किप करके ये मैं 2 बनाऊंगी और ऐसे ही देखिए एक स्किप करके जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही रो बनेगा। ये एक स्किप करके ये डबल क्रोशिया बुना, दूसरा डबल क्रोशिया बुना और जो स्किप किया है उसको हम बुनेंगे ऐसे ऐसे लाएंगे, ये देखिए ऐसे लेना और एक स्किप करके फिर ऐसे करेंगे, ऐसे ही पूरा रो बनेगा। ये देखिए ऐसे ही बनता चला जाएगा और मैं फिर आपको सेकंड रो शुरू करके बताती हूँ। बस ये देखिए ये फर्स्ट रो मेरा ख़त्म हो गया और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इधर और 9 इधर फ्रंट में और बैक में 18 और ये मैं आपको सेकंड रो आपको बताती हूँ कि इसको ये देखिए ये जैसे मैंने बताया था एक स्टिच को हमने स्किप करना है, ये ऐसे ही बनता जाएगा जैसे आपने पहला रो बनाया है। ये देखिए ये 2 बनाएंगे हम, ये डबल क्रोशिया और इसमें ऐसे ये ऐसे ही डिज़ाइन बनता जाएगा।
ये देखिए, ये दो स्टिच ये डबल क्रोशे के बनाएंगे, ये देखिए। और जो पीछे वाला उसमें ऐसे ही पूरा डिजाइन ऐसे ही बनता चला जाएगा। देखिए एक बार और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दो डबल क्रोशिया बुना, जो पहले वाला छोड़ा था उसी में हमने ऐसे इसको ऐसे बुना। ऐसे ही हमारा देखिए, ऐसे ही ये डिज़ाइन ऐसे ही बनता जाएगा। और बाजू पे मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और ये हुडी है, और ये यहाँ तक मैं आपको करके डिज़ाइन करके बताती हूँ। ये देखिए, ये 13 रो मैंने यहाँ बनाए, और 14 रो पे मैंने ये स्लीव जोड़ी, और ये 14 रो ये बने हैं, ये डिज़ाइन डाला है, और दो रो ये 16 रो ये बनी है। और मैंने ये स्लीव बनाई है, यहाँ से मैं आपको स्लीव बनानी बताती हूँ। ये 9 रो ये डाले हैं, और ये 4 रो ये हैं, 13 रो ये बनेंगे, मैं आपको बताऊँ। ये देखिए, ये डबल क्रोशिया से शुरू किया, और यहाँ से लेंगे, ये हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और एक यहाँ से बनाऊंगी, क्योंकि ये 3 का 1 करेंगे, ये स्लीव में फिर जाली नहीं बनती। ये मैंने शुरू किया यहाँ से, ये मैं फर्स्ट रो स्लीव का बनाऊंगी, इसी में ये ऐसे ही डबल क्रोशिया हर एक में ऐसे ही डालते जाना है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ये फर्स्ट रो मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगी। ये यहीं से स्किप किया, और जैसे हम लोग इधर से मोड़ते थे, एक साइड इधर एक साइड ऐसे, इसको 3 चैने लेके हम ये इधर से ले बनाएंगे, एक साइड इधर से एक साइड उधर से, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसे बनाते हुए ये 9 रो बनाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे रोई बनाते चले जाएंगे। ये रो मैं पूरा करके बताती हूँ आपको। ये देखिए, मैं आपको सेकंड रो ख़त्म करने के लिए दिखाना चाहती थी। सेकंड रो मैं ख़त्म करूंगी। ये देखिए, ऐसे ख़त्म किया, और ये देखिए 3 चैने ली, और फिर इसको ऐसे ही मोड़ेंगे,
और जैसे मैंने बताया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक बार इधर से एक बार उधर से ऐसे ही ये शुरू करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ऐसे ही, ये देखिए ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने ये बनाया है। ये 9 रो मैंने बनाए हैं और ये यहाँ तक मैं 9 रो बना के फिर मैं आपको ये डिज़ाइन डालना बताऊँगी। ये 4 रो मैंने ये बनाए हैं, फिर ये बनाया 14 रो, ये पूरे बनेंगे 14 रो। ठीक है, यहाँ तक आके फिर मैं आपको डिज़ाइन बता दूँ। ये 9 रो मैंने बना लिए हैं और इसमें 4 रो इसमें डिज़ाइन डालेंगे। और जैसे मैंने ये तीन चैने लेके और ये एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में डालेंगे, डबल क्रोशिया बुनूंगी, उससे अगले वाले में डबल क्रोशिया बुनूंगी और फिर पीछे जो स्किप किया था उसी में आके ये एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में डालना है। जैसे मैंने आपको बताया था ये 2 डबल क्रोशिए बुने जो स्किप किया था उसी में ही मेरे को डिज़ाइन डालना है। ऐसे देखिए ऐसे करके ये ऐसे ऐसे जैसे आपने वो उसमें आगे फ्रंट में बनाया स्वेटर बनाई ऐसे जैकेट बनाई, ये देखिए स्किप किया, ये डबल क्रोशिया बुना, ये डबल क्रोशिया बुना और ये देखिए। आप ऐसे रो पूरा करिए फिर मैं आपको दूसरा रो शुरू करके बताती हूँ। ये देखिए 9 रो मैंने ये बनाए, ये 10 रो में ये देखिए फर्स्ट ये इसका है, ये मैंने डिज़ाइन डाला और ये यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं, स्किप कर दिया और इसको 3 चैने लेके अब इसको इधर से एक बार इधर से बनाएंगे, एक बार इधर से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से बनाएंगे, के लिया और जो स्किप किया था उसमें डिज़ाइन डालेंगे। जैसे आपने फ्रंट में जैकेट में बनाया ये देखिए स्किप में, फिर इसमें ये ऐसे डिज़ाइन बना, इसमें ऐसे एक बार इधर से बुनेंगे, एक बार इधर से बुनेंगे, थर्ड रो फिर सीधे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, 4 रो हम ऐसे पूरे करेंगे और 1 रो ऐसे डबल क्रोशिया का डालेंगे। ये पूरा 14 रो बन जाएंगी और ये ऐसे ही पूरा होगा। आपको मैं हुडी बनाना बताती हूँ। ये देखिए स्लीव बन गई, ये पूरी जैकेट बन गई, ये मैं हुडी आपको शुरू करके यहाँ से दिखाती हूँ। ये इसी में मैं 3 चैन बना लेती हूँ, ये देखिए। और जो नेक्स्ट वाला है उसको भी मैं ऐसे बुनूंगी, 2-2 बुनूंगी और जो तीसरे वाले में मैं इसको डबल 2 डबल क्रोशिया बुनूंगी, 2 के बाद मैं एक एक बढ़ाती चली जाऊंगी। देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर जो थर्ड में मैंने इसको 2 डबल क्रोशिया बनूंगी ऐसे। ये हुडी के लिए देखिए 1 डबल क्रोशिया बुना, दूसरा डबल क्रोशिया बुना और तीसरे में मैं इसको 2 बारी डबल क्रोशिया डालूंगी, 2 बारी ऐसे मैं पूरा रो ऐसे ही ख़त्म करूंगी। अब ये डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया डाला, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर डबल क्रोशिया और तीसरे में मैं 2 डबल क्रोशिया बुनूंगी और ये रो मैं ऐसे ही कंप्लीट करूंगी और ये 17 रो बनेंगे मेरे। ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया डाल के 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर थर्ड में मैं इसको 2 डबल क्रोशिया डालूंगी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने हुडी बनाई है, इसका देखिए ऐसे ही मैं 16 रो बना के 17 रो में डिज़ाइन डालूंगी और मैं आपको ये यहाँ तक मैं बना के बताती हूँ। ये सीधा ऐसे ही बनाना है। ये देखिए मैंने पूरा रो, ये हुडी का फर्स्ट रो मैंने बनाया है,
जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला मैंने डबल क्रोशिया डाला, दूसरा डबल क्रोशिया डाला, तीसरे में मैंने डबल बुना, ऐसे ही मैंने ये रो पूरा किया है। और सेकंड रो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, अब इसमें कहीं घटाना बटाना नहीं है, आपको सीधा ऐसे ही पूरा रो, इसमें 15 रो पूरे बनाने हैं और उसके बाद 16 में और यही वाला एक रो डिज़ाइन का डालेंगे। ये देखिए ऐसे ही सारा बुनना है 15 रो, मैं आपको पूरा करके फिर डिज़ाइन बताती हूँ। ये देखिए मैंने हुडी के 15 रो बना लिए हैं और दो रो में इसमें डिज़ाइन डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ नीचे डाला है, बाजू में डाला है, इसमें दो रो डालूँगी, इसमें 3 चैने लूँगी, 3 चैने हो गई, और यहाँ से एक स्किप करके मैं नेक्स्ट बनाऊंगी और फिर अगला डबल क्रोशिया बुनूंगी। ये दो बुन लिए, स्किप वाले में मैं ऐसे डालूंगी, ये डबल क्रोशिया ऐसे बुनेंगे। ये डिज़ाइन मैंने आपको नीचे बताया है, एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में फिर ये दो डबल क्रोशिया बुने, स्किप वाले में फिर मैं ऐसे बुनूंगी। ऐसे ही दो रो पूरे करके फिर हुडी को मैं बंद करना आपको बताऊंगी। ठीक, ये मैंने दो राउंड इसके डिज़ाइन के डाल लिए, 15 ये हो गए, 17 राउंड इसके हुडी के हो गए। और ये देखिए ऐसा ये है, इसको ऐसे करके यहाँ इसको स्किप करके ये देखिए ऐसे इसको एक इधर से लेके ऐसे ऐसे मैं इसको ऐसे कर दोनों साइड से लेके सिंगल क्रोशे से आप इसको निकालते जाइए। ऐसे देखिए सिंगल क्रोशे से एक साइड से इधर से एक इधर से ऐसे दोनों साइड से ऐसे लेके सिंगल क्रोशे से ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये देखिए ऐसा आ जाएगा। ये यहाँ तक मैं आपको ख़त्म करके फिर बटन पट्टी मैं आपको बनाना बताते हैं। ये देखिए ये बटन पट्टी बनाएंगे, इस तरफ बटन होल बनेगा, इस तरफ बटन पट्टी बनेगी। ये यहाँ से सब में ये दो दो बारी सिंगल क्रोशिया डालना है। ये देखिए ये मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी, ये देखिए इसमें दो बारी डालना है, ऐसे दो रो बनाने हैं। एक बारी इधर से ऐसे, फिर इधर से वापस आके फिर तीसरे रो पे बटन पट्टी बनाएंगे। ऐसे ही ये देखिए ऐसे हमारे को ऐसे पूरा रो ऐसे ही बनाना है। और ये हुडी से ऐसे लेके जाना है पूरा। ये देखिए बस आप ऐसे ही बना लें जैसे मैंने बनाया है, ऐसे करते हुए हर रो में दो दो डालते जाके इसमें स्टिच में, हर इस स्टिच में
दो बारी डालना है और ये दो रो में आपको यहाँ तक लाके फिर मैं आपको होल बनाना बताती हूँ। दो रो मैंने पूरे किए, तीसरे रो पे हम होल बनाएंगे, बटन होल बनाएंगे। यहाँ से मैंने एक स्टिच बनाया सिंगल स्टिच, इसमें 3 चैनें ली और ये 2 छोड़ के तीसरे में मैं इसको ऐसे देखे होल बन गया। इसमें मैं 15 सिंगल क्रोशिया बुनूंगी, इसको भी काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 15 हो गया। और फिर हम इसी में आगे दूसरा होल बनाएंगे, ये 3 चैनें लेंगे, ये 2 स्किप करके तीसरे में मैं इसको ऐसे बनाऊंगी देखिए, और इसको काउंट करके फिर 15 डालेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15, ये देखिए। अब इसमें तीसरा होल बनाऊंगी, 3 चैनें लेंगे, 2 स्किप करके तीसरे में ये देखिए एक होल, ये होल बन गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 हो गया। और फिर यहाँ पर एक होल बनाएंगे ऐसे, ये देखिए ये होल बन गया। और ये देखिए यहाँ से ये हम बाकी ऐसे ही बुन के इसमें ये तीसरा रो और चौथा पांचवा ये 5 रो ये हम लोग पूरे करेंगे, तीसरा ये। और ये देखिए जैसे मैंने ये बनाया है, ये देखिए ये यहाँ तक मैंने ये ऐसे आएगी, इसको यहाँ तक मैंने बनाया है ठीक है। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 रो बनेंगे, ये तीसरा है, 2 रो और बनेंगे। ये देखिए ये मेरा बटन होल बन के तैयार हो गया, ये तीसरे, ये 1, 2 तीसरे रो पे मैंने ये होल बनाया था और 2 रो ऊपर बनाए थे, 5 रो बनाए हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि होल के बाद मैंने 2 रो बनाए। ये देखिए ये मेरा ये बनके तैयार है। और इसके साथ मैंने ये शूज़ बनाए हैं, ये मैंने शूज़ की वीडियो डाली हुई है और उसकी जगह जैसे मैंने जितने रो डाले हैं उतने ही 4 रो में मैंने ये अपना डिज़ाइन डाला है, जैसे आपको मैंने बताया है कि 2 आगे बुन के फिर पीछे आके हमने ये डिज़ाइन डाला है। और इसमें आप अगर आपको ये देखना है तो आप वीडियो उसमें देख सकते हैं, ये बनके तैयार है। ये देखिए ये 6 मंथ से 1 ईयर्स तक ये जैकेट तैयार है। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।